हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ हमीरपुर द्वारा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ के चेयरमैन ओपी भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि दोनों ही दलों के नेता अपने अपने घरों को भरने में लगे हैं और जनता की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायकों और मंत्रियों के वेतनों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी वर्ग का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है और भ्रष्टाचार ये पॉलिटिशियन कहते हैं कि हम इसको दूर करेंगे। मेरा ये कहना है कि इनका टैक्स जो है, सांसद और विधायकों का जो टैक्स जनता से कलेक्ट होता है, विधानसभा जो है वो विधायकों का टैक्स जो है वो विधानसभा के खजाने से जाता है और लोकसभा का टैक्स जो है वो लोकसभा के खजाने से जाता है। इसलिए ये भ्रष्टाचार कैसा दूर कर सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से ही तो आरंभ किया जाता है और इसके ऊपर भारी खर्च इस वक्त आ रहा है जो जनता के ऊपर भारी बोझ पड़ रहा है और इस टैक्स जो है किसी टाइम हिंदुस्तान को खा जाएगा। हमारा ये कहना है कि राष्ट्रपति प्रणाली जो है अवश्य लागू की जाए ताकि ये लोग जो हैं भ्रष्टाचार से किनारे हों और हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार दूर करने के बाद ठीक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन मिल सके।